इस वीडियो लेक्चर को आप तभी स्किप करना जब आपको ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने आते होंगे, लाइक अगर मुझे कोई देख लेता तो, और कभी तो बात समझने की कोशिश किया करो, और क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो, और आप उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, और इस मसले को ज्यादा मत बढ़ाओ, और बाहर मत जाओ आपको बुरी नजर लग जाएगी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो जाता तो, लाइक अगर कोई मुझे देख लेता तो, व्हाट इफ समवन हैड सीन मी, अगर वो फिसल जाती तो, व्हाट इफ शी हैड स्लिप्ड, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता तो, व्हाट इफ ही हैडंट हेल्प मी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो। टेक एन एग्जांपल, कभी तो बात समझने की कोशिश किया करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कभी तो टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, और कभी तो प्यार से बात किया करो, डू एवर ट्राई टू टॉक पोलाइटली, कभी तो मुस्कुराया करो, डू एवर स्माइल। अब जो नेक्स्ट है वो है डोंट यू थिंक। डोंट यू थिंक का मतलब होता है क्या आपको नहीं लगता। टेक एन एग्जाम्पल, क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो इस तरह बोलेंगे डोंट यू थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, या क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो, तो इस तरह बोलेंगे डोंट यू थिंक यू आर स्पीकिंग टू मच। अब जो नेक्स्ट है वो है एवरी डे स्टोरी। एवरी डे स्टोरी का मतलब होता है रोज का काम। टेक एन एग्जाम्पल, उनकी तरफ ध्यान मत दो, ये इनका रोज का काम है, तो इस तरफ बोलेंगे डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ ध्यान मत दो क्योंकि ये इनका रोज का काम है, बिकॉज इट्स देयर एवरीडे स्टोरी, और उसकी बात मत सुनो, ये उसका रोज का काम है, तो इस तरफ बोलेंगे डोंट लिसन टू हर, उसकी बात मत सुनो, बिकॉज इट्स हर एवरीडे स्टोरी, क्योंकि ये उसका रोज का काम है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है टेक समवन्स एंगर आउट ऑन समवन। इसका मतलब है कि किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना। टेक एन एग्जांपल, आप अपना गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, व्हाई आर यू टेकिंग योर एंगर आउट ऑन मी, आप उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, व्हाई आर यू टेकिंग हिज एंगर, लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर, व्हाई आर यू टेकिंग हिज और व्हाई आर यू टेकिंग हर एंगर आउट ऑन मी। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इलॉन्गेट द मैटर। Elongate the matter का मतलब होता है बात को बढ़ाना या मसले को बढ़ाना। जैसे कि इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, don't elongate this matter much, या मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, I don't want to elongate this matter, या इस मसले को ज्यादा मत बढ़ाओ, इसको यहाँ पर ही खत्म करो, तो हम इस तरह बोलेंगे don't elongate this matter much, put an end to this over here, put an end का मतलब होता है खत्म करना। Don't elongate this matter much, इस मसले को ज्यादा मत बढ़ाओ, इसको यहाँ पर ही खत्म करो, put an end to this over here, इसको यहाँ पर ही खत्म करो। अब जो यहाँ पर लास्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है catch an evil eye। catch an evil eye का मतलब होता है बुरी नजर लगना। जैसे कि बाहर मत जाओ आपको बुरी नजर लग जाएगी, इस तरह बोलेंगे don't go outside, बाहर मत जाओ आपको बुरी नजर लग जाएगी, you will catch an evil eye, आपको बुरी नजर लग जाएगी, या उसको बुरी नजर लग चुकी है, उसको बुरी नजर लग चुकी है, He has caught an evil eye, उसको बुरी नजर लग चुकी है। होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।